नमस्ते, मेरा नाम अनु है और अब हम करेंगे लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर 6 और मैं पेज नंबर 98 पे हूँ और काफ़ी नीचे आप देखोगे 6.2.4 हाँ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स मनुष्य में पोषण. ओके, तो द एलिमेंट्री कनाल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू एनस. ओके, जो आहार नल है वो मुंह से पूरा नीचे जाता है. अच्छा, और गुदा तक जाता है पूरा नीचे. ओके, जाने वाली एक लंबी नली है. ठीक है, तो वो है लॉन्ग ट्यूब माने लंबी नली एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ, माउथ माने मुंह, और एनस तक जहाँ से हम संडास जाते हैं. ठीक है, वहाँ से. अच्छा, नाउ इन फिगर 6.6. अच्छा, वी कैन सी दैट द ट्यूब हैज़ डिफरेंट पार्ट्स. अच्छा, फिगर 6.6 जो है एक्चुअली अगले पेज पे है, फिर नंबर 99 पेज पे है. ये जो आप देख रहे हो ये चित्र, तो इसमें आप देखोगे कि ये जो एलिमेंट्री कनाल है ये बोल रहे हैं कि अच्छा, तो ये जो है मुंह से स्टार्ट करती है माने या मुंह है, और ऑल द वे नीचे नीचे करके जाती है जहाँ से पॉटी निकलती है. ठीक है, तो ये पूरा पूरी नली हुई एलिमेंट्री कनाल. ठीक है, ऑल राइट. तो आगे पढ़ते हैं. वी कैन सी दैट द ट्यूब हैज़ डिफरेंट पार्ट्स. तो जो नली है उसमें अलग अलग भाग हैं. Various regions are specialized to perform different functions. Vibhin jo bhag hain, various regions, vibhin, various regions, bhag, are specialized, unka in to perform different functions. So, koi koi areas hain jo ek hi karya karte hain. Jaise jo hamara, nali hai, jo yahan se aur pet tak jati hai, wo khali khane ko niche leke jati hai, aur kuch nahi karti uske saath, usko thook ke saath milati hai aur niche leke jati hai. To uska karya wahi hai. Theek hai, aise alag alag bhag hai. What happens to the food once it enters our body? Jab hum khana andar lete hain, to khane ka hota kya hai? What happens to the food? Khane ka kya hota hai? We shall discuss this process here. ये हम अब discuss करेंगे, इसके बारे में बातचीत करेंगे. Discuss माने बातचीत. ठीक है, ओके. अगला पेज है activity 6.3. Take 1 ml starch solution 1% in 2 test tubes A and B. तो 1 ml माने यू नो टेस्ट ट्यूब ऐसा होता है जो ग्लास का बना हुआ होता है और वो एक ट्यूब जैसा होता है, करीबन इतना बड़ा होता है मेरे ख्याल से अबाउट 6 या 8 इंच, और वो ऐसा होता है, थिन सा ट्यूब होता है ग्लास का. हाँ, तो बोल रहे हैं कि 2 ऐसे ट्यूब लो. ओके, और उनको उन पे लेबल लगाओ टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी. ठीक है, एंड दोनों में 1 ml जो होता है एक छोटा सा मेजर होता है और टेस्ट ट्यूब पे मार्क्ड होता है, तो आप उसमें उतने तक ही डालते हैं. अच्छा, तो उसमें जो है मंड का घोल लीजिए. हाँ, तो 1% माने 1 बूंद अगर आप मंड लेंगे तो उसमें 100 बूंद पानी डालेंगे, तो उसका मतलब हुआ 1%. परसेंट जो होता है ऑलवेज 100 के ऊपर होता है, तो 1% मंड का घोल माने 1 बूंद मंड की और 100 बूंद पानी की. ओके, ये हुआ 1%. एड 1 ml सलाइवा. अच्छा, तो थूक लीजिए थोड़ा सा और वो टेस्ट ट्यूब ए में 1 ml थूक डालिए. अच्छा, खाली टेस्ट ट्यूब ए में. एंड लीव बोथ टेस्ट ट्यूब्स, और छोड़ दीजिए बोथ टेस्ट ट्यूब्स अनडिस्टर्ब्ड, माने डिस्टर्ब नहीं कीजिए उन्हें, छोड़ दीजिए फॉर 20 to 30 minutes, 20 से 30 मिनट तक. नाउ ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन टू द टेस्ट ट्यूब. अब जो है 2-3 बूंदें उसमें डालें आयोडीन की, पर डाइल्यूट आयोडीन. डाइल्यूट का मतलब होता है तनु, माने जिसमें बहुत कम आयोडीन है. अच्छा, तो कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है जिसमें बहुत ज़्यादा आयोडीन है.
पर डाइल्यूट माने जैसे 2-3 बूंद उसकी सोल्यूशन में आयोडीन होगी और ज़्यादा पानी होगा, यह हुआ डाइल्यूट। ठीक है, तो या तो ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स, तो 2-3 बूंद डाइल्यूट आयोडीन की डालिए दोनों टेस्ट ट्यूब में। इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व अ कलर चेंज, इन विच कौन से वाले टेस्ट ट्यूब में डू यू ऑब्जर्व कि आप देखते हो, ऑब्जर्व माने देखना, अ कलर चेंज, कलर चेंज होता है। हाउ डज दिस इंडिकेट अबाउट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्टार्च इन द 2 टेस्ट ट्यूब्स? ठीक है, तो ये कलर चेंज होने से कैसे पता लगता है कि स्टार्च या मंड है, प्रेजेंस या एब्सेंस है, प्रेजेंस एब्सेंस नहीं है इन द 2 टेस्ट ट्यूब्स, दोनों टेस्ट ट्यूब्स में। व्हाट डज दिस टेल यू, क्या ये हमें बताता है अबाउट द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च, थूक के एक्शन के मंड के ऊपर? जब हम थूक मंड पे लगाते हैं तो क्या होता है? ठीक है, तो ये हुई एक्टिविटी। वी ईट वेरियस, इसके बारे में शायद बाद में बताएंगे। ओके, वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, हम विभिन्न वेरियस तरीके के खाना खाते हैं, फूड विच हैज़ टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक, और वो जो है पूरी एलिमेंट्री कनाल में जाता है। चाहे आप रोटी सब्जी खाओ, चाहे आप सांभर चावल खाओ, चाहे आप पिज्ज़ा खाओ, वो सेम जगह जाता है, राइट? नेचुरली द फूड हैज़ टू बी प्रोसेस्ड, जो जो खाना हम खाते हैं उसको काटना पड़ता है ना, ब्रेक डाउन करना पड़ता है, नहीं तो उससे हमें न्यूट्रिशन या पोषण कैसे मिलेगा, हमें जो है ऊर्जा कैसे मिलेगी, वो होता है प्रोसेस करना उसे। टू जेनरेट पार्टिकल्स, पार्टिकल्स माने छोटे छोटे हिस्से, विच आर स्मॉल छोटे एंड ऑफ द सेम टेक्सचर। तो जब बॉडी जो है ब्रेक डाउन करती है तो पार्टिकल बनाती है छोटे छोटे, और वो सेम साइज के होते हैं, और टेक्सचर माने जैसे टेक्सचर ये होता है कि आप जरा टच करो इसको, और अगर आप टच करो सिल्क को, सिल्क के कपड़े को, तो इसका टेक्सचर अलग होगा। तो टेक्सचर वो होता है जब आप टच करो कि ये कैसे लगता है, उसको टेक्सचर। दिस इज अचीव्ड बाई क्रशिंग द फूड विद आवर टीथ। ठीक है, ये छोटे बनाए जाते हैं जो भोजन हम खाते हैं, बाय क्रशिंग द फूड, उसे दबाया जाता है, क्रश किया जाता है हमारे दांतों, हमारे दांतों से, टीथ। सिंस द लाइनिंग ऑफ द कनाल इज सॉफ्ट, द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इट्स पैसेज स्मूथ। तो जो पूरा एलिमेंट्री कनाल है मुँह से नीचे तक, वो जो है अंदर ना वो ट्यूब है, तो समझ लो एक पाइप है। अच्छा, पाइप में जो है लाइनिंग है, वो लाइनिंग में कोशिकाएं हैं। ठीक है, वो जो कोशिकाएं की जो लाइनिंग है वो सॉफ्ट होती है, बड़ी नरम होती है। आप जैसे ब्लाउज में या किसी भी कपड़े में आप लाइनिंग डालते हो अंदर, ऐसे ही हमारे पाइप एलिमेंट्री कनाल है में एक लाइनिंग है, और समझ लो वो लाइनिंग कोशिकाएं की बनी हुई है, और वो बड़ी नरम है। ठीक है, द फूड इज ऑल्सो वेटेड, इसलिए जो खाना हम लेते हैं उसको जो है वेट कर दिया जाता है, माने धूप के साथ उसे मिला दिया जाता है, गीला कर दिया जाता है, वेटिंग माने गीला, टू मेक इट्स पैसेज स्मूथ, ताकि वो स्मूथ अंदर जाए, एकदम आसानी से स्मूथ। व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक, जब हम कुछ खाते हैं जो हमें अच्छा लगता है, आर माउथ वाटर्स, हमारे मुंह में पानी आता है, वाटर्स। ठीक है, दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर, ये जो है खाली बिल्कुल पानी नहीं है, बट अ फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा, पर इसमें जो ये जो निकलता है हमारे मुंह से, ये एक फ्लूइड है, पानी जैसा है, पर ये सलाइवा है, ये थूक है। ठीक है, एंड ये जो दिस इज एक्चुअली एंड दैट्स कॉल्ड सलाइवा, सिक्रीटेड बाय द सेलिवरी ग्लैंड्स, और ये जो सलाइवा है इसे ग्लैंड्स बनाती हैं, एक छोटी ग्लैंड्स होती है, ये जीभ के नीचे एक ग्लैंड है जो थूक को बनाती है, या चीक में, हाँ अंदर गाल में ना, अंदर की तरफ एक और ग्लैंड है जो थूक को बनाती है, हाँ, और एक और दूसरी भी ग्लैंड है, ये सारे थूक बनाते हैं, सेलिवरी ग्लैंड्स बोलते हैं इनको, क्योंकि ये सलाइवा बनाते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से मैं हिंदी में कुछ और भी नाम है सलाइवा का, पर समझ लो थूक, अगर आपको समझ में आ गया बस वो ही इम्पोर्टेंट है कि
आपको समझ में आ जाए कि थूक है, मुंह में पानी आ जाता है, ये लाला ग्रंथि से निकलता है। अच्छा, लाला ग्रंथि सेलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, उनको हिंदी में लाला ग्रंथि बोलते हैं। तो अगर आपको हेल्प हो समझने में, ठीक है, अब यहीं बंद करते हैं, अगला मैं नेक्स्ट टाइम करूँगी।